बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आप सबको इस खुश आमदेद कहता हूँ इस वेबिनार के अंदर जो हम लोग कुछ अरसे से कर रहे हैं। पहले तो यूरोलॉजी से हमने शुरू किया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ और दोस्त अहबाब भी इसमें एग्री कर गए हैं शामिल होने के लिए। तो आज जो है वो प्रोफेसर सुहेल अख्तर, जो कि प्रोफेसर है इंडस हॉस्टल में, इससे पहले वो जियाउद्दीन में और बकाई में भी काम कर चुके हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे व्हाट शुड वी डू फॉर द कॉफ। इसके अलावा हमारे एक कार्डियोलॉजिस्ट कोलीग हैं डॉक्टर जावेद, एक साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर इकबाल, और एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एहतशाम। इसके अलावा आसिफ आलम एक और यहाँ पे स्ट्रोक मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं। ये लोग इसमें आहिस्ता हर हफ्ते या दो तीन हफ्तों के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रेजेंटेशन दिया करेंगे। इसमें इंशाल्लाह ताला अगर आप शामिल होते रहेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी, और जो कि आपको रोजमर्रा के अमूर में भी हेल्प करेगी कि किस तरह के प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए। तो बगैर किसी फर्दर डिले के मैं प्रोफेसर सुहेल से कहता हूँ कि वो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ियाउद्दीन खान मुझे इस फोरम में इनवाइट करने का। आप और हमारे मशवरे से जो टॉपिक आज का सेलेक्ट हुआ था वो ये कि खांसी का क्या किया जाए। ये टॉपिक इसलिए भी सेलेक्ट हुआ है कि पेचीदा बीमारियों पे पेचीदा बातें करने से बेहतर है कि आसान अल्फाज में आम प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए। मैं कोशिश करूँगा कि अगले 20 से 25 मिनट में उन बीमारियों का भी अहाता कर लूँ जो जिनकी वजह से खांसी होती है, और उससे ज़्यादा बढ़ के ये कि आम सुनने वालों को, जो मेरी मालूमात के मुताबिक आम अफराद हैं, इन्हें डॉक्टर से ज़्यादा आम अफराद हैं, उनको ये बताया जाए कि खांसी जब हो तो करना क्या चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी जो है अक्सर लोग इसको एक बीमारी समझते हैं और नुकसानदेह चीज़ समझते हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं है। खांसी असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अल्लाह ताला ने बॉडी में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म बना रखे हैं, हर ऑर्गन के तकरीबन समझ लीजिए। ये अल्लाह का खास एहसान है इंसान के ऊपर। मिसाल के तौर पे आँख में कभी कोई बाल चला जाए या कोई मिट्टी चली जाए तो आँखों में पानी आने लग जाता है, आँख सुर्ख हो जाती है, इंफ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। उसका मकसद ये होता है के बाहर से आने वाले नुकसानात को जायल किसी तरह किया जा सके। तो जाहिर है अगर कोई सांस की नालियों में, फेफड़ों में, हलक में कोई चीज़ चली जाएगी तो वो खुद से जब तक नहीं आ सकती जब तक उसको फोर्स के साथ निकाला ना जाए। तो जैसे ही कोई चीज़ हमारे सांस के निज़ाम में जाती है जो नुकसानदेह हो सकती है, अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया कि नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो खांसी का एक पूरा सिस्टम जनरेट करती हैं। तो इस तरह जो हमारे सांस के निज़ाम है, निज़ाम तनफ्फुस, वो ख़राब अशिया से बच भी जाता है नुकसान से उनके, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। हम आगे चल के ये देखते हैं कि ये होता किस तरह है। जब हम सांस लेते हैं तो ये तीन तरह से इसको समझें। सबसे पहले तो हम तैयारी करते हैं जिसमें हमारे ग्लॉटिस, जो जिसको नरखरा कहें या जो जहाँ से आवाज़ बनती है, ये सांस की पूरे निज़ाम का विंड पाइप का सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो ये सबसे पहले तो हम एक गहरा सांस अंदर लेके बंद कर लेते हैं ग्लॉटिस को और प्रेशर जनरेट करते हैं। उसके बाद ग्लॉटिस को फौरन खुलता है और तेज़ी के साथ फिर उसके बाद तीसरे मरहले में वो मैंने के खांसी होती है जिसको कहते हैं, और उसके साथ ही बलगम अगर आना होता है आता है, लेकिन कम अज़ कम अगर कोई अज्जा, कोई नुकसानदेह चीज़ें सांस की नालियों के अंदर हों तो वो बाहर आ सकते हैं। तो ये हम सबको मालूम है, ये हम सोच के नहीं करते, ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है और इसमें कभी बलगम आता भी है और कभी नहीं भी आता, जैसे कि हम अगली कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। खांसी के सबसे पहले तो वजूहात देख लेते हैं। इसमें अगर हम इसको दो तरह से डिवाइड करें कि वक्ती खांसी और देर पा, यानी देर पा मतलब क्रॉनिक, तो जो वक्ती खांसी होती है उसमें वो सबसे आम है यूँ कहना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जो ये कहेगा कि उसे खांसी कभी हुई ही नहीं। तो इसमें जो आम वजूहात हैं,
उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी आम नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, गला गले की ख़राबी, साइनस के प्रॉब्लम, ये बहुत आम है। ये अमूमन वायरसेस की वजह से होते हैं या कुछ लोगों में एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं। ये वायरस जब नाक, हलक, गले में, साइनसेस में और नीचे सांस की नालियों में जाते हैं तो ये एक इन्फ्लेमेशन या सोजिश पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में सिक्रीशंस या रतूबत पैदा होती है। और चूंकि ये बॉडी के लिए नई चीज़ होती है, वो पसंद नहीं करती उसे, तो इस वजह से खांसी का अमल जनरेट होता है ताकि इन रतूबत को और उस रतूबत में ही शामिल कुछ डैमेजिंग चीज़ें होती हैं वो बाहर निकाला जा सकें। तो इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस यानी ब्रोंकाइटिस और नमोनिया, आम इस्तेलाह हैं, सब लोग जानते हैं। ब्रोंकाइटिस कहते हैं सांस की नालियों की सोजिश को और नमोनिया कहते हैं फेफड़ों के इन्फेक्शन या सोजिश को। इनमें भी खांसी जाहिर है बहुत आम सी बात है। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस गालिबन ये सबसे कॉमन चीज़ होगी, एलर्जी की वजह से होता है और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ आदाद व शुमार हैं। तकरीबन 15-30% पॉपुलेशन को किसी न किसी लेवल में एलर्जी हो सकती है, जिसका सबसे बड़ा टारगेट नाक और हलक बनता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस एक खांसी की आम बहुत वजह है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अफराद जिनको क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जिसमें दमा, एस्थमा, COPD या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस शामिल हैं, वो पूरा साल ज़रूरी नहीं है कि ख़राब हो, पूरा साल आदमी अलामतों का शिकार है, लेकिन कभी उसमें ख़राबी पैदा हो तो फिर उनकी वजह से शॉर्ट टर्म खांसी भी होती है, जो कि अगरचे के शॉर्ट टर्म नहीं होती लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक वक्ती मजहर होती है। इसके अलावा आम सी एक्सपीरियंस है कि जब कभी हम पोल्यूशन वाली जगह पे जाएं, सड़कों पर या कोई डस्ट की जगह पे, तो हमें खांसी होती है। तो ये तो मैंने चंद वजूहत बताएं जो शॉर्ट टर्म खांसी की है। अब हम कुछ ऐसी तरफ से कुछ ऐसी खांसी के वजूहत की तरफ आते हैं जो मुसलसल होती हैं। मुसलसल का मतलब ये नहीं 24 घंटे इंसान खांस रहे, मुसलसल का मतलब ये है कि ये भी नहीं है कि वो रोज़ाना हर वक्त खांस रहे, इसका मतलब ये है कि वो महीने के अक्सर दिनों में, ये यूँ कहिए कि हफ्ते के अक्सर दिनों में या दिन के अक्सर औकात में उसे खांसी रहती है और एक मुसलसल अमल है। मुसलसल का मतलब ये भी नहीं पूरी ज़िंदगी रहे, यानी रहता है तो महीनों रहता है, एक 2-4 दिन के अंदर ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसके अंदर भी हम दो तरह की वजूहत देख सकते हैं, एक तो बहुत आम और दूसरी कुछ ज़रा कम कॉमन होती हैं। तो जो आम बीमारियां हैं उसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एलर्जी, स्मोकिंग या उसकी वजह से होने वाला COPD या और पोस्ट नेजल ड्रिप शामिल है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं सांस की नालियों की परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन को, इसको और COPD को एक साथ ले लें, क्योंकि ये दोनों स्मोकिंग की वजह से होती हैं और स्मोकर्स जो है उनके धुआं अंदर जाता है, उसके साथ मुजर चीज़ें, केमिकल्स अंदर जाते हैं सांस की नालियों में, वो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले दूसरे दिन से खांसी शुरू हो जाए, लेकिन अक्सर लोगों को, स्मोकर्स को शुरू ही में से खांसी का एक ऐसा निज़ाम शुरू होता है, इसको शुरू में तो वो शायद एबनॉर्मल समझे लेकिन बाद में उसे नॉर्मल समझ के उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और COPD तकरीबन एक ही बीमारी के दो नाम हैं, इसकी वजह स्मोकिंग है। एस्थमा, एस्थमा जो है या दमा, आम तौर पे इसका दूसरा नाम है सांस की बीमारी। तो जब खांसी, एस्थमा में खांसी के तौर पे, खांसी की वजह से मरीज़ प्रेजेंट करता है डॉक्टर की तरफ, तो डॉक्टर भी और मरीज़ भी उस खांसी को एस्थमा नहीं समझते, वो कहते हैं ये तो सांस की बीमारी। हालांकि एस्थमा की दोनों ही अलामतें उतनी ही कॉमन है, यानी एस्थमा का मरीज़ को सांस के साथ खांसी भी हो सकती है या सिर्फ खांसी भी हो सकती है। तो एस्थमा की ख़ास बात यह है कि थोड़े दिनों के लिए अलामतें होती हैं, या सांस हो या खांसी हो या दोनों हो, और दवाई से या ख़ुद से ठीक हो जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद, वो अरसा एक हफ़्ता भी हो सकता है या एक महीना या एक साल भी हो सकता है, दोबारा वो अलामतें होती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं, फिर रिकरेंट प्रॉब्लम होता है, बार बार होने वाला। वो दरमियान में मरीज बिल्कुल ठीक होता है। तो एस्थमा में अगर आपको कभी खांसी हो रही हो जो कुछ कुछ दिनों के बाद दोबारा बार बार होने वाली हो, अगर उसके साथ सांस की शिकायत या घुटन भी शामिल हो, तो आप ज़रूर ख्याल करें कि शायद आपको एस्थमा हो सकता है। मेरे मुशाहदे में ये बहुत कॉमन मुशाहदा है कि ज़्यादातर एस्थमा के पेशेंट जिनको खांसी होती है वो उसको एस्थमा नहीं समझते,
बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं समझते। तो ये तीन चीजें हो गई, स्मोकिंग भी हमने बता दी, एलर्जी या पोस्ट नेजल ड्रिप, इनको एक ही जुमरे में ले लेते हैं। एलर्जी एक आम सा लफ्ज है जो सब जानते हैं, किसी चीज से आपकी बॉडी का मुवाफिक ना होना। वो चीज आम तौर पे एनवायरनमेंट में, माहौल में होती है। वो माहौल जरूरी नहीं है सड़क पे या घर के बाहर हो, हमारे घर के अंदर भी हो सकता है, इस कमरे में भी हो सकता है, या किसी ऑक्यूपेशन से, किसी पेशे से ताल्लुक हो। मसलन कारखानों में काम करते हैं कुछ लोग, या केमिकल्स के साथ काम करते हैं, या धुएं की जगह पे काम करते हैं, तो ये एलर्जी एनवायरनमेंट में होती है। और जाहिर है हर सांस के साथ इंसान हवा भी अंदर इन्हें लेकर जाता है सांस के साथ, फेफड़ों में, और उसके साथ हवा के अंदर जो भी चीज़ शामिल होती है। तो अगर हमारे माहौल में ऐसी केमिकल्स या ऐसी मुजर चीज़ें शामिल हैं जिनमें सबसे कॉमन जो है हाउस डस्ट है, यानी घर में जो आम टेबल्स पर, पर्दों पर, फर्नीचर्स पर पड़ी हुई मिट्टी होती है, वो सबसे आम एलर्जी की वजह है, तो ये भी खांसी कराती है। अगर ये नज़ले की शक्ल में हो, और नज़ला जिसको आम तौर पे नज़ला कहा जाता है, लोग उसको समझते हैं जो छींकों की शक्ल में, जुकाम की शक्ल में आए, वो तो है ही, लेकिन जुकाम की एक शक्ल वो होती है जिसमें छींके चाहे आए या लेकिन बहुत कम आए, लेकिन उसका रेशा जो है एलर्जी की वजह से जो रेशा बनता है नाक में और उसके अंदर लाइनिंग्स में, एपिथीलियम में, वो पीछे की तरफ ट्रिकल करता है, वो पीछे हलक की तरफ गिरता है, तो वो खांसी कराता है, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। तो ये चंद आम वजूहात हैं उस खांसी की जो मुस्तकिल बुनियादों पर हो। अब हम कुछ ऐसी बीमारियों का जिक्र करते हैं, और इसको मैं अगली चंद स्लाइड में थोड़ा सा तफसील से भी बताऊंगा, जो इतनी आम नहीं है, या यूं कहिए कि इतनी खतरनाक नहीं है। सॉरी, पहले वाली जितनी खतरनाक नहीं थी, ये खतरनाक इस सेंस में है कि इनका सद्यबाप करना जरूरी है, वरना ये पेचीदगी पैदा कर सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं। और ये लेस कॉमन इस वजह से भी मैं कह रहा हूँ कि जहन में इसका ख्याल ज़रा देर से जाता है। तो इनमें ब्रोंकियोक्टेसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, कुछ दवाइयाँ भी खांसी करा सकती हैं, लंग कैंसर और ये फॉरन बॉडी। हम इनको एक एक करके देखते हैं। ब्रोंकियोक्टेसिस जो है ये कहते हैं आम अल्फाज में सांस की नालियों का चौड़ा हो जाना या परमानेंटली ख़राब हो जाना। तो ये आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं कि ये एक आम नॉर्मल सांस की नाली है जिसके अंदर नॉर्मल म्यूकोजा है, जबकि ये दूसरी नीचे की तरफ एक ऐसी सांस की नाली जिसको हम ब्रोंकियोक्टेसिस कहेंगे, जिसमें वो उसका डायमीटर भी चौड़ा है और उसके अंदर म्यूकस भी, यानी कि जो रतूबत है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा है। और इसमें अगर सीधे हाथ की तरफ हम एक्सरे और सीटी स्कैन की तरफ देखेंगे तो हमें नज़र आएगा इसमें मल्टीपल शेडोज हैं, और ये कुछ सुराख सुराख से आपको सीटी स्कैन में नज़र आ रहे होंगे। ये वो चौड़ी सांस की नालियाँ होती हैं जो आमतौर पर इतने कैलिबर की नहीं होती, तो चूंकि इनमें रतूबत को अखराज करने का निज़ाम परमानेंटली डैमेज होता है, तो इसमें रतूबत एक तरह से 12 महीने जमा रहती है। जब इसमें इन्फेक्शन जाता है तो रतूबत का मल्टीपल टाइम्स अखराज ज़्यादा होता है, और फिर वो प्रॉब्लम कराता है बुखार और खांसी। तो इस ब्रोंकियोक्टेसिस की खास बात मुस्तकिल खांसी होना या बार बार खांसी होना, बलगम इसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, अक्सर बलगम स्मेली होता है या उसमें कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, जिससे लोग डर जाते हैं कि ये कहीं कैंसर ना हो या टीबी ना हो। तो ये ब्रोंकियोक्टेसिस है। दूसरा टीबी, एक आम बीमारी जिसको मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा शख्स जिसने नाम ना सुना हो, एक जरासीम की वजह से होता है, और ये इसकी आम अलामतों में खांसी होना, बुखार होना, बलगम का आना, बलगम में खून का आना और सेहत का गिरना, वज़न का कम होना शामिल है। तो ट्यूबरकुलोसिस बहुत आम है पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में, कुछ ममालिक में। तो हम यही बताते हैं आम तौर पे कि अगर आपको कोई ऐसी अलामत हो, मसलन खांसी, बुखार, बलगम, जो 3 हफ्ते तक मुसलसल रहे और आपने उसका शायद इलाज कराया भी हो तो वो ख़त्म ना हो, तो आप टीबी के बारे में ज़रूर सोचें, ख़ास तौर पे जब आपकी सेहत भी ख़राब हो रही हो, भूख कम लग रही हो, वज़न कम हो रहा हो। तो ये टीबी जाहिर है इसके बॉडी में कहीं भी इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन 75% 75% फेफड़ों को अफेक्ट करती है। अच्छा, इसके बाद GERD, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये यूँ कहिए कि प्रॉब्लम है, जो बहुत पुराना नहीं है, यानी रिसेंटली रिकग्नाइज हुआ है। इसको समझने के लिए ये मैदा और इसकी खुराक की नाली का डायग्राम देखें।
ये खुराक की नाली है जो जाकर मेदे से मिलती है, मेदा है स्टमक, और इसकी जो जंक्शन है इसको एक स्फिंक्टर या वाल्व जो है वो क्लोज करता है। मतलब ये कि हम कोई कोई चीज़ खाते या पीते हैं तो इस खुराक की नाली से अंदर आता है, जब मेदे में पहुंचता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है, ताकि जो मेदे का जो मैकेनिज्म है। अस्सलाम वालेकुम, ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी, थैंक यू, आपको आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ माइक को। अच्छा, तो खुराक की नाली जब मेदे में शामिल, खाना जब खुराक की नाली से मेदे में जाता है तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है। कुछ लोगों में, कुछ बीमारियों की वजह से या ओवरवेट लोगों में ये स्फिंक्टर या वाल्व क्लोज नहीं हो पाता, और मेदे का जब जो चर्निंग मैकेनिज्म है वो अमल शुरू होता है तो वो मेदे का रतूबत और खाना या पानी वो ऊपर वापस भी जाता है, जिसको रिफ्लक्स कहते हैं। खुराक की नाली तक जाए तो शायद फिर भी खैर है, लेकिन ये ऊपर फेरिंग्स तक आता है और लंग्स में भी इसका कुछ हिस्सा ट्रिकल कर जाता है। अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं होता, वो उनको महसूस नहीं होता कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है, लेकिन फिर वो जब लंग में चाहे एक ड्रॉप भी चला जाए तो वो खांसी कराता है। ये एक आम बीमारी है, निस्बतन आम बीमारी है, जिसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। फिर लंग कैंसर से भी कोई शायद ऐसा नहीं हो जो वाकिफ ना हो, ये स्मोकिंग की वजह से होता है। 90% केसेस में स्मोकर्स होते हैं लंग कैंसर वाले, और इसकी बदकिस्मती ये है कि सिगरेट आप पिए चले जाएं सालों तक और आपको ज़्यादा से ज़्यादा खांसी होगी, बलगम आएगा, आप उसको इग्नोर कर देंगे। जब कैंसर की डायग्नोसिस होती है उस वक्त तकरीबन 75% केसेस में इतना एडवांस हो चुका होता है वो कि उसकी ट्रीटमेंट के बावजूद भी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बावजूद भी इसका फुल क्योर मुमकिन नहीं है। तो अगर किसी स्मोकर को, क्योंकि स्मोकर्स में ही ज़्यादा होता है इसलिए स्मोकर्स को ही वार्निंग देनी पड़ेगी कि अगर किसी स्मोकर को खांसी जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हो, या उसका कैरेक्टर चेंज हो गया हो, या उनको फिर कुछ कमज़ोरी भी महसूस हो रही हो, तो डेफिनेटली वो गौर करें कि उनको कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, डॉक्टर से रिजू करें। सबसे अच्छा तो ये है कि सिगरेट पिए ही ना और छोड़ दें, लेकिन वो लोग जो सिगरेट नहीं छोड़ते उनके लिए एक वार्निंग साइन है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी, अगर कोई भी चीज़ जो सांस की नालियों में हमारे गैर इरादी तौर पे चली जाए तो वो भी जाहिर है खांसी करा सकती है। इसमें बच्चों में बहुत आम प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे अंदाज़ा नहीं करते, कोई बटन हुआ, कोई बादाम हुआ, कोई नट्स हुए, या कोई छोटी या बड़ी चीज़ हुई, वो उसको मुंह में डालते हैं और फिर गैर इरादी तौर पे इनहेल कर लेते हैं। बड़ों में भी ये होता है, तो हो सकता है, तो वो अंदर जाती है। ये कभी कभी एक्सरे में नज़र नहीं भी आती, और कुछ अगर ओपेक हो तो नज़र आ जाती है, तो बहरहाल इसको निकालना पड़ता है जब तक, वरना फिर ये खांसी जाती नहीं है। तो हम कैसे पता चलाएं? अगर कोई ऐसा वाकया किसी के सामने हुआ हो कि बच्चा कोई चीज़ मुंह में ले रहा था और फिर उसके बाद खांसी शुरू हो गई, तब तो आसान है, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा पता नहीं चलता। तो कभी कभी डॉक्टर्स इसको सस्पेक्ट करते हैं और इसके लिए एक्सरे, सीटी स्कैन कराते हैं या ब्रोंकोस्कोपी करके देखना पड़ता है। बहुत से केसेस में वो फॉरेन बॉडी नज़र आ जाती है तो उसको निकाला जा सकता है। अच्छा, बलगम की तरफ आते हैं। खांसी और बलगम साथ साथ हैं। हर खांसी में बलगम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब बलगम होता है तो या तो वो पतला म्यूकॉइड होता है या गाढ़ा होता है, उसमें स्मेल भी हो सकती है अगर इन्फेक्शन हो, और उसमें ब्लड भी हो सकता है। इसका मतलब, अगर बलगम आए तो हमें क्या समझना चाहिए? एक तो मतलब इसका ये हो सकता है कि इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरसेस हों जो इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते, ये बैक्टीरिया हों, लेकिन इसका हमेशा मतलब ये नहीं होता कि इन्फेक्शन हो गया। और हर खांसी और हर बलगम को एंटीबायोटिक से ट्रीट करना मुनासिब नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको इतनी सारी बीमारियां पिछले बताई, इसमें इन्फेक्शन बहुत थोड़े से थे, ज़्यादातर एलर्जी और स्मोकिंग वगैरह थे, उसमें भी बलगम बनता है। बलगम जैसे मैंने बताया वो रतूबत है जो ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में बन जाए किसी वजह से, जो बहुत सारी हमने वजूहत अभी पिछले देखी स्लाइडों में, और वो फिर क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो और उसकी थिकनेस या टेनेसिटी ज़्यादा हो, तो फिर वो बलगम की शक्ल में बाहर आता है। ये हमेशा सीरियस नहीं होता, और इसको रोकने की या कम करने की हमेशा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता ये कभी कभी निकालने में तकलीफ दे होता है तो फिर मरीज को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमेशा ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर मुस्तकिल बलगम बन रहा है खांसी के साथ तो इसकी वजह क्या है,
और वजह को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको रिमूव किया जाए, ट्रीट किया जाए। वजूहात में अक्सर चीज़ें पिछली स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब खांसी का किया क्या जाए, एक जुमले में अगर आपको समझना है तो ये समझ लीजिए खांसी के वजह को ट्रीट किया जाए, सिर्फ खांसी को ना ट्रीट किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में दिखाया था कि खांसी हमेशा मुज़र होती भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन बहरहाल इसकी कोई वजह होती है, बिला वजह खांसी नहीं होती है यूजुअली। तो इसकी वजूहात को मालूम किया जाए। अगर वक्ती खांसी है, बहुत से लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें नज़ला ज़ुकाम हुआ था या हमें गर्द गुबार का पाला पड़ा था वगैरह, तो हमें खांसी हो गई है, चंद दिन वो कोई हाउस होल्ड रेमेडी लेते हैं, खुद ही से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग हो तो इसकी वजह मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा अहम पॉइंट ये है, अवॉइड ट्रिगर्स। बहुत से लोग इतने स्मार्ट होते हैं, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फलां चीज़ की वजह से उन्हें खांसी हुई होगी। बहुत से एस्थमेटिक्स जो हैं उनको डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं कि भाई आपके ट्रिगर्स ये हो सकते हैं, या कुछ टेस्ट के जरिए पता चलाया जा सकता है कि ये आपके ट्रिगर्स हो सकते हैं, आप इनको अवॉइड करें। बहुत से केसेस में ट्रिगर्स का मालूम करना मुश्किल होता है या मुमकिन नहीं होता। तो इस सूरत में क्रॉनिक खांसी वालों को, दायमी खांसी वालों को, चाहे उनमें से ज़्यादातर की वजह एलर्जी होती है, तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप आमतौर पर मिट्टी से, और मिट्टी सिर्फ बाहर की ग्राउंड की मिट्टी नहीं बल्कि हाउस डस्ट, वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, उससे बचें। बचें किस तरह के, जहाँ डस्टिंग हो रही हो वहाँ से आप दूर बैठ जाएं, उस कमरे में ना बैठें। धुएं से, जो जिसमें सबसे कॉमन सिगरेट स्मोकिंग है। तीसरे तमाम किस्म के एरोसोल से, स्प्रे से, चाहे वो परफ्यूम हो चाहे वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो। इसी तरह कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है, तो वो पोलन के सीज़न में, हाई पोलन सीज़न में वो इंडोर्स रहें, अंदर रहें, बाहर जाने से अवॉइड करें जहाँ तक मुमकिन हो, या बाहर जाएं तो मास्क लगा कर वगैरह जाएं। और ट्रिगर्स जो हैं वो कुछ दूसरी दवाइयाँ वगैरह भी हो सकती हैं, मैंने उनको डिटेल्स में नहीं किया, लेकिन दो कॉमन दवाइयाँ जो खांसी करा सकती हैं, जो अनरिकग्नाइज जाती हैं, ब्लड प्रेशर की एस इनहिबिटर्स होती हैं। ये एस इनहिबिटर दवाई का नाम नहीं, ग्रुप ऑफ मेडिसिन का नाम है, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन शामिल हैं, और एक बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, ये भी एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए अगर ट्रिगर्स नोन हो। उसके अलावा हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, क्योंकि 90% एलर्जी जो है ना हाउस डस्ट माइट की वजह से होती है, और हाउस डस्ट माइट जो है वो फेवरेट उसका ग्राउंड है भारी पर्दे या कारपेट्स और यानी ये सब चीज़ें। तो लाइट कमरा हो जिसमें कारपेट्स भी या तो ना हो या बिल्कुल एक कोने में अगर कोई रख पड़ा हो, या कर्टन्स खास तौर पे जितने भी अवॉइड किए जा सकें। लेकिन इन चीज़ों का होना ज़रूरी भी होता है, तो इनको फ्रीक्वेंट क्लीनिंग की जाए। तो लाइफस्टाइल को चेंज करना, स्मोकिंग सबसे अहम वजह है जिसको लोग बिल्कुल या तो इग्नोर करते हैं या उसकी तरफ सीरियस नहीं होते। ये याद रखिए कि आप अगर स्मोकिंग खुद कर रहे हैं तो ही आपको, ज़रूरी नहीं है कि आपको खांसी हो, लेकिन आपके माहौल में, अतराफ में, ख़ासतौर पर आपके घर में, आपके दूसरे घर में रहने वाले ख़ासतौर पर बच्चे उससे अफेक्ट हो सकते हैं, या ऑफिस में अगर आप स्मोकिंग करते हैं क्लोज डोर में, तो स्मोकिंग को ख़त्म करना। अवॉइडेंस ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इनडोर, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और सिंपल लाइफस्टाइल को अपनाना। फिर कोई खांसी का टॉपिक, मेरा ख्याल है खांसी के शरबत के बगैर नामुकम्मल है। खांसी के शरबत, मेरे एक साथी ने बताया था कि कोई 480 के डिफरेंट ब्रांड्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, और ये बात मेरा ख्याल है शायद 10 साल पहले की, तो अब तो पता नहीं कितने हो गए होंगे। तो खांसी के शरबत जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, और डॉक्टर से लोग डिमांड करते हैं मरीज़ के, आपने खांसी का शरबत नहीं दिया। इन खांसी के शरबत में 2-3 किस्म के अज्जा होते हैं, उनमें ज़ाहिर है कफ सप्रेस करने की दवाई होती है, और उनसे फ़ायदा होता भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों में, वो जिनको हार्ट डिजीज़ वगैरह हो, और बच्चों में भी हो सकते हैं। इनकी सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट ड्राउजीनेस है या नींद आना है, तो वो लोग जो एक्टिव रहना चाहते हैं या जिनको मशीनरी वगैरह से साबका पड़ता है, उनके लिए मुनासिब नहीं है कि वो खांसी के शरबत का इस्तेमाल इस तरह करें, ख़ासतौर पर दिन के वक्त में। दो तरह के खांसी के शरबत मशहूर हैं, एक खांसी सप्रेस करने के जो खुशक खांसी के लिए दिए जाते हैं, दूसरे एक्सपेक्टोरेंट्स जो आमतौर पर उन खांसी के लिए दिए जाते हैं जो बलगम के तौर पर, बलगम जिसमें शामिल होता है। तो मेरी इस खांसी के शरबत के पॉइंट पे ये बस एक जुमले में ये कहूँगा कि खांसी के शरबत पे अपनी खांसी के इलाज को मौकूफ़ ना करें, फोकस ना करें, वजह तलाश करें,
और उसको ट्रीट करें। हाउस होल्ड रेमिडीज को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बहुत काम की चीजें। और सबसे अहम जिसको मेरा ख्याल है 90% से ज्यादा लोग गर्दानते ही नहीं, वो है सिंपल पानी। पानी अगर हम ज्यादा पियेंगे तो अगर हमारी रतूबत बन भी रही होगी, बलगम और थिक होगी, तो वह पतली होकर आराम से आ भी सकती है। और अगर हमारा पूरा निज़ाम मॉइस्ट रहेगा, ज़ाहिर है पानी तो मैदे में जाता है, लेकिन ये कि बॉडी वाटर जब बढ़ जाता है तो वो तमाम जगह ड्राइनेस को ख़त्म करता है। शहद, हनी जो सुन्नत भी है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके बारे में मल्टीपल स्टडीज़ अब साबित कर चुकी हैं कि खांसी जो है का बहुत अच्छा रेमिडी जो है वो शहद है। गर्म ड्रिंक्स जैसे ग्रीन टी हुई, कहवा, या इवन गर्म पानी भी, या चाय और गर्म दूध, ये सूदिंग इफेक्ट लाते हैं और खांसी को सप्रेस कर सकते हैं। स्टीम बहुत फ़ायदेमंद होती है, अक्सर लोग इसको यूज़ करते हैं जब उनकी खांसी तकलीफ दे होती है। तो स्टीम से दो फायदे होते हैं, एक तो सूदिंग इफेक्ट होता है गले में, नाक हलक में, और दूसरा ये कि पानी के कंटेंट की वजह से स्प्यूटम थोड़ा सा लिक्विफाई हो सकता है। दूसरी कुछ हर्बल्स शामिल हैं जिसमें मैं चूंकि तजर्बा नहीं रखता इतना, इसलिए उसकी तरफ नहीं करूंगा। आखिरी स्लाइड मेरी कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि हर खांसी के लिए फौरन भागना चाहिए, लेकिन इन इन चीज़ों के होते हुए अगर आपकी खांसी 2-3 हफ्ते से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है और तो फिर आपको डेफिनेटली डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। वैसे तो खैर ये थियोरेटिकल बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अक्सर लोग तो पहले दिन ही डॉक्टर से रब्ता करते हैं, जो कि एक तरह से अच्छी बात भी है, लेकिन अगर आपने खुद से गुजारा किया हुआ है या आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो जब तक इग्नोर ना करें जब तक ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, तो फिर प्लीज़ ज़रूर डॉक्टर से रिजू करें। ख़ास तौर पर आपकी खांसी जब बहुत शिद्दत की हो, पसलियों में दर्द होने लग जाता है लोगों के, कुछ लोगों को पेशाब खता हो जाता है, कुछ लोगों को चक्कर से आ जाते हैं, ये शिद्दत की खांसी के कुछ अलामतें हैं। उसके अलावा अगर आपकी खांसी में बलगम में ब्लड आए या आपको खांसी के साथ सांस की दुश्वारी हो रही है, तो ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये एस्मा या किसी और बीमारी का की वजह हो सकती है। और अगर आपको दूसरी अलामतें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वेट लॉस हो रहा हो, भूख कम लग रही हो, आपकी आवाज़ में कोई फ़र्क आ गया हो, या आपको कुछ लम्प सा गले में या कोई कोई ग्लैंड्स महसूस हो रहे हो बॉडी में, तो आपको ऐसी सूरत में डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। तो ये चंद गुजारिशात थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस गुफ्तगु को इतना सिंपल रखा होगा जितना लोगों की समझ में। अगर नहीं आया तो उसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ, और मैं कुछ सवाल आता करूँगा तो उसके लिए तैयार भी हूँ। आखिरी में एक बहुत अहम हिदायत से अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करूँगा, जो कुरान में भी है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ताला ने ना बनाया हो, और वही है जो शिफा देता है। ये डॉक्टर और ये दवाइयाँ, ये तो दुनियावी असबाब हैं जिन्हें हम इख्तियार करते हैं, तो हमें हर बीमारी के होते हुए अल्लाह ताला से भी उसकी मदद मांगनी चाहिए। जज़ाकअल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर प्रोफेसर सुहेल। अभी जो लोग अपने सवाल के बारे में सोच रहे होंगे, तो एक सवाल जो मेरे दिल में हमेशा से आता है कि अस्थमा में और एलर्जिक कॉफ में क्या फर्क है? वैसे तो कोई फर्क नहीं है। एलर्जिक कॉफ जो है वो कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये लेमेंस टर्म है, आम लोग इसको एलर्जिक कॉफ कहते हैं। मैं तो इसको एक ही चीज कहता हूँ। देखिए, एस्मा जो है वो एलर्जी की वजह से अलामतें पैदा होती है, लेकिन उसकी बुनियाद एलर्जी नहीं है। एस्मा एक ऐसी बीमारी का नाम है या एक ऐसी टेंडेंसी का नाम है जिसमें मरीजों को जिनको एस्मा होता है उनकी बॉडी में एक ओवर रिएक्टिविटी होती है। ओवर रिएक्टिविटी से क्या मुराद है कि जैसे कमरे में 4 अफराद बैठे हैं और कोई डस्टिंग हो रही है, तो जो एस्मेटिक होगा वो डस्ट की छोटी सी मिकदार भी उसको अलामतें पैदा हो जाएंगे, ज्यादा मिकदार चाहिए होगी, तो एस्मा में इसी चीज को एलर्जी कहा जाता है। हालांकि एलर्जी ट्रिगर होती है, यानी उनको इस ट्रिगर की वजह से एस्मा होता है। तो एलर्जी कफ और एस्मा मैं तो समझता हूँ एक ही चीज है। मैंने एक सवाल पूछना था, मैं डॉक्टर ताहिर बोल रहा हूँ। मेरी बेटी को यहाँ इंग्लैंड में डायग्नोज हुआ न्यूट्रोफिलिक कफ, और उसके लिए उन्होंने उनको एक 3 महीने का कोर्स कराया एरिथ्रोमाइसिन का, जिससे खांसी काफ़ी बेहतर हो गई।
और फिर एक या दो साल बाद उसको रिपीट किया गया। इसके बारे में कोई अभी कोई और जदीद इलाज या तहकीक सामने आई है न्यूट्रोफिलिक कफ के बारे में? ये टर्म न्यूट्रोफिलिक कफ हम लोगों ने बहुत आम नहीं इस्तेमाल की ना सुनी। मोस्ट लाइकली क्रॉनिक इन्फेक्शन कोई है एयरवेज में। न्यूट्रोफिल्स जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की एक किस्म है जो अक्यूट इन्फेक्शन में बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ब्लड में भी ज़्यादा उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है और ऑर्गन में भी ये बढ़ जाती है, मसलन लंग्स वगैरह में। तो मैं इसे ये समझाऊँ कि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है जिसमें न्यूट्रोफिल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं, इसका इलाज एज कैन बी एक्सपेक्टेड एंटीबायोटिक्स होगा। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया कि मैं इस टर्म से इतना ज़्यादा यूज्ड नहीं हूँ, तो इसका कोई बहुत हतमी जवाब बताने से कासिर हूँ। जी 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 आपको मेरी आवाज आ रही लग रहा है मुझे, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जी आवाज। अच्छा मैं सब ये पूछ रहा हूँ कि जैसे बचपन में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं किसी के और उसका ऑपरेशन नहीं करवाया जाता, तो क्या वो सारी उम्र के लिए एक मसला बना रहता है या बाद में भी करवाया जा सकता है? इसका जवाब मेरा ख्याल है अगर ईएनटी स्पेशलिस्ट कोई देता तो ज्यादा मुनासिब होता। अच्छा। क्योंकि ये अच्छा मेरी आवाज एक और ही, इसका मतलब है कुछ लोगों के माइक खुले होंगे तो वो जरा बंद करते हैं मेहरबानी। अच्छा ईएनटी का ये क्वेश्चन है ईयर नोज थ्रोट का, लेकिन जितनी मालूमात मुझे है मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। टॉन्सिल जो होते हैं वो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे हलक के बिल्कुल बैक पे होते हैं। हम सब जानते हैं टॉन्सिल्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली एक डिफेंस क्या कहना चाहिए ऑर्गन है, और इनका होना या इनका बड़ा होना कोई नुकसानदेह नहीं होता हमेशा। जिन लोगों में टॉन्सिल्स बड़े हुए होते हैं उसमें दो वजूहत हो सकती हैं। आम वजह तो इसकी एलर्जी है बताते खुद, जो जिनको क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस हो या एस्थमा हो या साइनसाइटिस हो, तो चूंकि क्रॉनिक मसला होता है तो इसमें एलर्जी का जो जो फर्स्ट डिफेंस है वो यानी टॉन्सिल्स ही हैं, तो वो परमानेंटली पहले तो वक्ती तौर पे बढ़ते हैं लेकिन चूंकि मसला क्रॉनिक हो जाता है तो परमानेंटली तौर पे बढ़ जाता है। तो टॉन्सिल्स का बड़ा होना बताते खुद कोई नुकसानदेह नहीं होता, ऑल्दो इतना बड़ा कोई टॉन्सिल्स नहीं होते, बहुत रेयर होते होंगे जिससे लोगों को निगलने में कोई मुश्किल हो। मैं चूंकि ईएनटी इतना नहीं देखता इसलिए मैं बहरहाल शायद परसेंटेज में शायद कम बता रहा हूँ, लेकिन बाहर दूसरी वजह टॉन्सिल के बड़ी होती है वो इन्फेक्शन होता है। वो एक आम डॉक्टर भी देख कर अंदाजा कर सकता है जिसमें वाइट से पैचेस होते हैं, पस भी हो सकती है, टॉन्सिल इरेगुलर भी होते हैं। तो आपका सवाल जो था टॉन्सिल के निकालने के बारे में, आमतौर पर ईएनटी स्पेशलिस्ट बचपन में टॉन्सिल को नहीं निकालते और 12 साल की उम्र के बाद अगर कोई निकालने की जरूरत हो तो इसको ऑपरेट करते हैं। तो आपका दूसरा सवाल कि क्या अगर ना निकाला जाए तो वो नुकसान होगा, फ्रेंकली स्पीकिंग ये मेरे डोमेन नहीं है, इसलिए मैं बताते खुद क्योंकि खांसी के साथ जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो जाहिर है ये तो नहीं सोच के आते कि ईएनटी का मसला है या लंग्स का मसला है। तो हम लोग ऐसे बहुत से मरीज देखते हैं तो बड़े हुए टॉन्सिल्स बहुत कॉमन फिनोमिनन है और ख़ासतौर पर एलर्जिक सब्जेक्ट्स में ये बहुत कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। अगर मैंने देखा है कि अगर इनके एलर्जी को सही तरह से एड्रेस कर लिया जाए, खास तौर पे पोस्ट नेजल ड्रिप जिसके लिए नेजल स्टीरॉयड्स और मोंटी लुकास और कुछ एंटीलर्जिक देनी पड़ती हैं कुछ अरसे के लिए, तो ये टॉन्सिल शायद या तो रिग्रेस कर जाएं या कम से कम डिसकंफर्ट इनकी वजह से ना हो। बट हैविंग सेड दैट फाइनल आंसर मैं नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, राशिद अब्बासी फ्रॉम यूके। मुझे आपकी प्रेजेंटेशन सुन के बड़ी खुशी हुई क्योंकि आपने बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट जो है बहुत आसानी से लोगों को समझने के लिए समझाया है, जिसके लिए आप यकीनन मुबारकबाद मुस्तहिक हैं। एक जो चीज़ आपने कही है और जो कि बहुत कम रिकग्नाइज है, जिसका आपने मेंशन भी किया है, वो गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज है। और बहुत दफ़ा ये होता है हमारी अपनी प्रैक्टिस में या इवन इंग्लैंड में जाके रिलेटिवली फैसिलिटीज अच्छी हैं इन्वेस्टिगेशन की और एट नो कॉस्ट टू द पेशेंट, इस चीज़ का या तो ख्याल देर में आता है या डायग्नोज देर में होती है। इसके बारे में सोचना जरूरी चाहिए जब खांसी का कॉज ना मिल रहा हो,
या दूसरे कॉजेस को एड्रेस किया जा चुका हो, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट रिलेटिवली सिंपल है, एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा यह है कि बाज लोगों में जो एल्डरली होते हैं खासतौर पर, और जिनको दिल का भी मर्ज होता है, और ख़ासतौर पर जिनके टखनों में स्वेलिंग वगैरह होती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज खांसी का यह है कि उनके फेफड़ों में थोड़ा सा पानी होता है, तो उसका भी इलाज चेस्ट डिजीज नहीं है, उसका इलाज तो उनका हार्ट कंडीशन को या जो कि या तो अनडायग्नोज हो या डायग्नोज हो, तो उसका उसका ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन करना है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने मेरी एक प्रॉब्लम को हल कर दिया। मुझसे ये दो कंडीशंस मिस हो गई थी, आपने लंग्स में पानी का जो जिक्र किया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में आपके कमेंट बिल्कुल वैलिड है, मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ। लंग में पानी आ जाना ये पॉइंट बहुत अहम था और रह गया था, अगरचे कि निस्बतन अनकॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हार्ट के पेशेंट्स जो होते हैं जिनका हार्ट वीक होता है, उनके लंग्स में वक्तन फवक्तन पानी आ सकता है, जिसको पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, और इसका इलाज लैसिक्स या कोई डायूरेटिक्स होता है वो सही तरह से कंट्रोल करना, तो ये भी एक बहुत अहम वजह है खांसी की, अगरचे कि इसमें सांस भी फूलता है लेकिन खांसी भी होती है। दूसरा, लंग्स में पानी आ सकता है किसी बीमारी की वजह से जो लंग्स से बाहर के हिस्से में होता है असल में, लेकिन हम उसको लंग में पानी आना आमतौर पर कहते हैं, इसको कहा जाता है प्लूरल इफ्यूजन, यानी फेफड़े के बाहर लेकिन चेस्ट के अंदर जो प्लूरा होता है फेफड़े के ऊपर की झिल्ली, उसके दो लेयर्स होते हैं, उसके दरमियान में पानी जमा हो सकता है, और जब भी ये जमा होता है किसी न किसी वजह से जमा होता है, जो वजह आमतौर पर जरूरी नहीं है कि सीरियस हो, लेकिन वो भी एक खांसी का वजह बन सकती है। मैं नमूनिया के जिम में उसको बताना चाह रहा था लेकिन मुझसे रह गया था, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। अगर कोई और सवाल नहीं है तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर प्रोफेसर ज़िया। और डॉक्टर ज़िया, इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा था कि कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन खान संडे आपकी कुछ मसरूफियत है तो आप डॉक्टर ज़ियाउद्दीन खान अगले संडे आप मसरूफ हैं तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद वाले संडे को आपका अगला टॉपिक रखेंगे। हेलो ज़िया, डॉक्टर ज़िया जी, मैंने कहा कि प्रेजेंटर भी सवाल कर सकता है क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट करने वाला भी सवाल कर सकता है, उसको इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं एक्चुअली आप चूंकि यूके में काफी सालों से मुकीम हैं, राशिद अब्बासी साहब भी मुकीम हैं, मैं आप दोनों की मौजूदगी का और ताहिर साहब भी, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल करना चाहता हूँ कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, कि यूनाइटेड किंगडम में खांसी का शरबत की यूज होना कितना कॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नामुमकिन है कि मुकम्मल रह जाए जब तक खांसी का शरबत ना लिखा जाए, आप लोगों का क्या प्रैक्टिस है, क्या डॉक्टर्स उसको इनकरेज करते हैं? मैं इस सिलसिले में मेरे ख्याल में मेरा जवाब देना बहुत अप्रोप्रियट होगा, हो सकता है कि पाकिस्तान में जो सामईन इस वक्त सुन रहे हैं या जो बाद में सुने उनको शायद मेरी बात पे यकीन ना आए, कम से कम मेरे रिश्तेदारों को यकीन नहीं आता कि मुझे जो है ना यहाँ के पता भी नहीं है कौन से खांसी के शरबत हैं और कौन बनाता है और किस मकदार में दिए जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि खांसी का इलाज खांसी की वजह का इलाज में मुजमिर है, और अगर आप खांसी को किसी वजह से किसी इलाज से रोक लेंगे तो कभी कभी ये होता है, बल्कि अक्सर ये होता है कि जो ट्रांजिएंट खांसियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, उसका क्रेडिट मिल जाता है खांसी के शरबत को, वो वैसे भी ठीक हो जाती, लेकिन जो जिन खांसी के पीछे मरज पोशीदा होते हैं या जो कि बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं इंक्लूडिंग लंग कैंसर, उस चीज का आप डायग्नोसिस डिले कर देते हैं और उससे पेशेंट को जिसे कहना चाहिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर एक जो कफ सिरप जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब होता है, जो सबसे ज्यादा जब मैं कहूँ तो उसको कभी ये मतलब है शाजु नादिर, वो भी वो होता है कफ सप्रेसेंट, खास तौर पे कोडीन लिंक्टस, वो इस वजह से सब करते हैं कि जब एक दफा आपने डायग्नोस कर ली वजह, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, या बाज दफा इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कोई लंग कैंसर है किसी को, वो उसका भी ट्रीटमेंट हो रहा है, वजह पता है, तो आप उसको सोने में डिफिकल्टी हो, दर्द हो खांसी की वजह से, तो उसको सप्रेस कर देते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि रेडियोथेरेपी होती है या ब्रोंकियोक्टेसिस होती है, रात को सोने में तकलीफ होती है, तो यू वॉन्ट टू सप्रेस कॉफ विच यू नो वॉट इट इज ड्यू टू,
तो लेकिन जिस तरह आपने बताया मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया कि 450 से ज्यादा किस्म के कफ सिरप हैं। और मुझे अपना भी पर्सनल भी तजुर्बा है, कभी पाकिस्तान में रिश्तेदारों को कोई वो मतलब कि किसी बात पे मशवरा दो और वो आखिर में कमेंट या तो डायरेक्ट मिल जाता है या किसी के तवस्सुल से मिलता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब कैसे, इनको पता ही नहीं खांसी का शरबत भी होता है जो कि ये कभी बताते नहीं है। तो ये आई थिंक दिस इज कल्चरल और इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था कि आप भी ये बात रीट्रेट करें, हमें भी बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है कि किस किस्म के डॉक्टर खांसी का शरबत नहीं लिख रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इस एहतियात करें, कभी कभी लिख देने से डॉक्टर को ज्यादा फायदा होता है और मरीज को ना तो या तो फायदा नहीं होता या नुकसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने जिक्र किया था कि प्रोफेसर सुहेल जो है वो नेक्स्ट संडे इनकी कोई मसरूफियत है, मतलब मेरा ख्याल ये था कि चेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो एक सीक्वेंस में चलते रहे, तो मैं इंशाल्लाह ताला हमारे जो दूसरे कोलीग हैं कार्डियोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट उनमें से किसी से कहूंगा कि वो टॉपिक प्रेजेंट करते हैं इसके अंदर और फिर उसका स्वेल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और मैं इनक्रेज करूंगा, पहले भी मैंने मैसेजेस किए हैं लोगों को कि वो जरूर इसको अटेंड किया करें क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके हमें एक एक जनरल नॉलेज में इजाफा भी हो जाता है, दूसरा यह कि बहुत सारी चीजें जो है हमारे लिए क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि ये क्यों हो रही है और हमें वो सुनी सुनाई बातें जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है उससे हम एक तरह से बच जाते हैं कि ये इसलिए हो रही है, इसलिए ये होना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए। तो जज़ाकअल्लाह खैर और अल्लाह ताला इसका अजर अजीम अता करे और फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नहीं उसके बाद अगले हफ्ते में फिर आपसे दोबारा प्रेजेंटेशन की मैं दरख्वास्त करूँगा। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।